महाशिवरात्रि मेले को देखते हुए जिला एसपी महोदय के आदेश पर परासिया एसडीओपी अनिल शुक्ला व टीआई प्रतीक्षा मार्को के साथ न्यूटन चौकी प्रभारी खेमेंद्र जैतवार द्वारा श्रद्धालु भारी मात्रा से वाहन के आवक जावक पर नियंत्रण व होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए हाईवे मार्ग व दुर्घटना होने वाले पॉइंट पर सावधान का सांकेतिक बोर्ड लगाकर लोगों को सुरक्षित होने का संदेश दिया। इससे वाहन की स्पीड व वाहनों की दुर्घटनाओं को नियंत्रण भी किया जा सके। पुलिस प्रशासन का प्रयास है कि महादेव मेले में आने वाले वाहनों से श्रद्धालु सुरक्षित रहकर भगवान भोले के दर्शन कर सके। साथ ही परासिया एसडीओपी अनिल शुक्ला जी व परासिया टीआई महोदय प्रतीक्षा मार्को ने वाहन चालकों से अपील किया है कि वाहन चालक शराब पीकर वाहन ना चलाएं। साथ ही नगर व ग्रामीणों में वाहन की स्पीड नियंत्रण कर वाहन चलाएं, जिससे आपके साथ भक्तजन भी सुरक्षित रह सके। वाहन लेके यहाँ से आवागमन बहुत ज्यादा है। दुर्घटनाग्रस्त जितने क्षेत्र है परासिया थाना अंतर्गत, वहाँ पे हम लोग ये बोर्ड लगा रहे हैं लोगों को सचेत करने के लिए कि आप यहाँ पे वाहन सावधानी पूर्वक चलाएं, ताकि होने वाली दुर्घटना से बचाया जा सके उन्हें। इसी तारतम्य में हम लोग अपने न्यूटन के पत्रकार साथियों एवं स्टाफ के साथ मिलकर ये फ्लैक्स लगवा रहे हैं, ताकि यहाँ कोई दुर्घटना घटित न हो। किस किस जगह पे लगाया सर आपने इसको? ये तो लगाने का तो टोटल 10 जगह पे है। अभी हमने भीमसेन घाटी में 2 लगाए हैं आते जाते हुए देखने के लिए, और न्यूटन कस्बा में 2 लगाए हैं, एंट्री शहर में एंट्री और बाहर निकलने दोनों जगहों में लगाए हैं, और बाकी अभी बेलगांव में भी लगाएंगे। और उसके बाद क्षेत्र में जहां जहां दुर्घटनाएं ज्यादा हो रही थी, वहां पर दुर्घटना को रोकने के उद्देश्य थाना प्रभारी परासिया और चौकी प्रभारी न्यूटन द्वारा एक फ्लैक्स लगाए गए हैं, जिसमें स्पष्ट अक्षरों में सावधान दुर्घटनाग्रस्त क्षेत्र है वाहन धीरे चलाएं लिख किया गया है। साथ ही मोबाइल नंबर लिख किए गए हैं, जिससे कोई भी व्यक्ति पुलिस से सहायता चाहे तत्काल फोन से सूचना देकर उसे राहत मिल सकती है। चालकों से मेरी अपील है कि शराब पीकर वाहन न चलाएं, और ये जो कासन सिग्नल लेक किया गया है उसका ध्यान रखें और उसके अनुसार ही वाहन चलाएं।